एलियंस। एलियंस ये नाम सुनने के बाद आपके सामने क्या आता है? एक बड़ी सी स्पेसशिप और कुछ क्रिएचर्स जो कि हाइट में तो कम होते हैं पर उनकी आंखें और दिमाग बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। हमारे इतने बड़े यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो ये मौजूद है। इसकी पॉसिबिलिटी को हम ना नहीं कह सकते क्योंकि पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स या जगह मौजूद है जो कि इंसानों द्वारा बनाना इम्पॉसिबल है, जैसे कि द पिरामिड्स एंड सेवन मोआई स्टैचूज। ये ऐसी जगह है जिन्हें आज की टेक्नोलॉजी भी इतने परफेक्ट तरीके से नहीं बना सकती। तो आज से 4000 साल पहले ये इसे कैसे बना लिए होंगे? हर साल दुनिया में कहीं ना कहीं एलियंस द्वारा किडनैपिंग की घटनाएं सुनने को मिलती है, जो कि सुनने में तो जरा सी अजीब होती है पर उनके पीछे का सच जानने के बाद हम भी उस पर यकीन करने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी एक रहस्यमय घटना के बारे में बात करेंगे जो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी अनएक्सप्लोर मिस्ट्री में से एक है। कुछ भी हो जाए, इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स एक्सप्लोर द मिस्ट्री ऑफ एलियंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए, इससे हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक जरूर पहुँच जाएगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दिन था वेनेसडे 5 नवंबर 1975। लोकेशन अपाची सेडगेस नेशनल फॉरेस्ट, अमेरिका। ट्रेविस वॉल्टन उनके 6 मेंबर्स के साथ उस जंगल में काम कर रहे थे। उस जंगल की देखभाल करना उन 7 लोगों का काम था। हर रोज की तरह वो एक नॉर्मल सा दिन था। दिन भर काम करने के बाद वो एक जीप से वापस घर जा रहे थे। तब करीब 6:30 बजे के आसपास उन्हें आसमान में एक गोल चमकीली लाइट दिखी और उन्होंने गाड़ी को वहीं पर रोक दिया। वो लाइट आसमान में एक गोल्ड डिस्क की तरह मंडरा रही थी, पर जब उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को सामने से देखा तो उन्होंने उसे एक सर्कुलर डिस्क इस शब्द में डिस्क्राइब किया। वो डिस्क जमीन से करीब 20 फीट ऊपर मंडरा रही थी और वो उस नजरे को देख रहे थे। तभी उन लोगों में से ट्रेविस को क्या क्यूरियोसिटी जगी और वो उस डिस्क के पास जाकर उसे देखने लगा कि आखिर वो क्या चीज है। उनके दोस्तों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मत जाओ, वापस आ जाओ, पर उन्होंने किसी का कुछ नहीं सुना। वो उस स्पेसशिप के पास जाने के बाद वो स्पेसशिप बहुत तेजी से रोटेट होने लगा। उसके बाद उस स्पेसशिप से एक ब्लू लाइट निकली और तभी तेजी से हवा का एक ब्लो आया और ट्रेविस दूर जाकर गिर गया और वो स्पेसशिप फिर से उन पर ब्लू लाइट चमकाई और उसके बाद उनके दोस्तों ने देखा कि ट्रेविस गायब हो गया था। इस अजीब और डरावनी घटना को देखकर उनके दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए और गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से भागने लगे क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि वो जो भी चीज़ थी वो ट्रेविस को मार दी होगी। जाते जाते उनमें से एक दोस्त ने पीछे देखा तो स्पेसशिप आसमान की तरफ जा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें बुरा फील होने लगा क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम ट्रेविस की मदद क्यों नहीं कर सके और वो डिसाइड करते कि चलो वापस चलते और देखते कि वो चीज़ आखिर थी क्या। ऐसी सिचुएशन में एक्चुअली दिमाग काम करना बंद कर देता है, पर थोड़ी ड्राइव करने के बाद उनका दिमाग जब नॉर्मल हुआ तो वो गाड़ी को रिवर्स करके ट्रेविस की मदद करने चले गए। पर उस लोकेशन पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि ना वहाँ पर वो स्पेसशिप था और ना वहाँ पर ट्रेविस था, सब कुछ गायब हो गया था। उनके दोस्तों ने ट्रेविस को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की पर उन्हें ट्रेविस नहीं मिला। दिन बीतते गए पर ट्रेविस का कुछ पता नहीं चला। पर 5 दिन बाद ट्रेविस उसी जंगल में बेहोश पड़ा मिला। होश में आने के बाद ट्रेविस ने यह कहा कि वो ब्लू लाइट जब मेरे ऊपर इंसर्ट हो रही थी तब मुझे करंट जैसा फील हो रहा था, मानो उन्हें हाई वोल्टेज करंट लग रहा था। उसके बाद वो बेहोश हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब वो बेहोशी से उठे तब वो एक बेड पर लेटे हुए थे और वो एक बहुत ज़्यादा अजीब सा कमरा था। उन्होंने कहा कि वहाँ पर छोटे कद वाले जीव मौजूद थे जिनकी हाइट करीब 5 फीट थी और उनकी आंखें और सर सामान्य इंसानों से बहुत ज़्यादा बड़ा था और उन्होंने येलो कलर की जैकेट पहनी थी। फिर उन्होंने ट्रेविस के ऊपर एक मास्क रखा और ट्रेविस फिर से बेहोश हो गया। और अगली घटना जो उन्हें याद थी कि वो जंगल में पड़े हुए थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि वही स्पेसशिप जिसने उन्हें ड्रॉप किया था वो उनके एग्जैक्ट सर के ऊपर था और वो स्पेसशिप तेजी से आसमान की तरफ चला गया।
उन्हें ये लगा कि सिर्फ डेढ़ से दो घंटे बीते होंगे और उनके दोस्तों ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया होगा, पर उन्हें बाद में पता चला कि वो डेढ़ से दो घंटे नहीं थे बल्कि 5 दिन थे। मतलब वो 5 दिन तक गायब रहे थे। इन 5 दिनों के दौरान बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की गई। ट्रेविस के दोस्तों की लाई डिटेक्टर टेस्ट भी की गई, मतलब झूठ पकड़ने वाली मशीन से टेस्ट की गई, और शॉकिंगली वो सब सच बोल रहे थे। और एक हैरानी की बात यह है कि उस जंगल में जहाँ पर ये यूएफओ उतरी थी वहाँ के पेड़ 30 गुना ज़्यादा तेजी से वुड फाइबर प्रोड्यूस कर रहे थे। यूएफओ उतरने से पहले जो पेड़ 1 टन वुड प्रोड्यूस कर रहे थे वो अब 30 टन तक वुड प्रोड्यूस करने लगे थे। मतलब उस स्पेसशिप के लाइट ने उन पेड़ों को पूरी तरह से बदल दिया था। इस दौरान जंगल के सारे पेड़ों को ऑब्जर्व किया गया, जिससे ये पता चला उसी जगह के पेड़ों पर वो अमेजिंग सा असर हुआ है जहाँ पर ट्रेविस के हिसाब से वो स्पेसशिप लैंड किया था। बाकी सारा जंगल एकदम नॉर्मल था। यह एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है। उसके बाद ट्रेविस में भी बहुत ज़्यादा अजीब बातें देखने को मिली। उसके नाखून और बाल बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। शायद एलियंस के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो किसी भी फाइबर को बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ा दी थी, और उसी का असर ट्रेविस के ऊपर और उस जंगल के पेड़ों के ऊपर दिख रहा था। इसी घटना के ऊपर 1993 में एक मूवी भी रिलीज की गई थी जिसका नाम था फायर इन द स्काई, और इस मूवी से लोगों को इस घटना के बारे में डिटेल में पता चला। यह घटना एलियंस किडनैपिंग की दुनिया की सबसे रहस्यमय घटना है जो आज भी एक मिस्ट्री है। अगर आपको ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, इससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगी। वीडियो को खुलकर शेयर कीजिए। आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम MrTube17। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।